हेलो फ्रेंड्स, आज की होली स्पेशल रेसिपी है गुलकंद पेड़ा। होली बहुत ही प्यारा रंगों का खुशियों भरा त्यौहार है। चलिए इसमें मिठास भरते हैं। इसके लिए अनस्वीटेड मिल्क, 1 लीटर दूध और घर की बनी गुलकंद, साथ ही 1 बाउल डेसिकेटेड कोकोनट। मिल्क पाउडर और 1 कप दूध को एक मिक्सर जार में डालें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी का गर्म करें, साथ ही जो ब्लेंड किया हुआ मिक्स है वो डालें। अब इसमें लगभग 1/2 लीटर दूध ऐड कर दें। अब अच्छे से स्टर करें ताकि जो मिल्क पाउडर है वो तले से ना चिपके। इस दूध के मिक्स को लो फ्लेम पर बॉयल होने तक स्टर करते रहें। साथ साथ मिक्स के जार में थोड़ा सा दूध डालें और गुलकंद डालें और उन्हें भी ब्लेंड कर लें और साइड पर रख दें। देखिए कितना प्यारा गुलकंद और दूध का ब्लेंड तैयार हो गया है। दूध को स्टर करें और बॉईल आते ही उसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दें। लगातार चलाते रहें। इसे धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। ये पेड़े बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। 10 से 15 मिनट बाद देखिए ये रिड्यूस हो गया है और पहले से काफ़ी थिक हो गया है। इस स्टेज पे गुलकंद वाला जो मिक्स है वो ऐड कर दीजिए। स्टर करें और इस मिक्स को भी अच्छे से कोकोनट मिक्स में ऐड कर लें। गुलकंद की एडिशन से इसमें बहुत ही अच्छा गुलाब और सौंफ का फ्लेवर आएगा। अब इसमें स्वादानुसार चीनी ऐड करें, 2 ड्रॉप्स रेड फूड कलर की ऐड करें। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें या अवॉइड कर लें। इससे प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर लगती है। इसे चलाते हुए दूध के सूखने तक पकाएं। दूध के सूखने पर ही कोकोनट का मिक्स अपने आप कढ़ाई से अलग हो जाएगा। सारा दूध इवेपोरेट हो चुका है, अब इसे फिनिश करते हैं। इसे फिनिश करने के लिए कुछ फ्रेश गुलाब की पत्तियां और थोड़ी सी गुलकंद ऐड कीजिए। एक स्टर देकर मिक्स करें और गैस को बंद कर दें। इस मिक्स को ठंडा होने दें। ये कोकोनट मिक्स अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसको हाथ से गोल गोल पेड़े की शेप दें। देखिए मैंने सभी पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर पिस्ता लगा दें, ये ऑप्शनल है। पिंक पेड़ों के ऊपर ग्रीन पिस्ता बहुत सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, ये गुलकंद जो मैंने यूज़ की, ये मैंने घर पर ही बनाई है। गुलकंद की रेसिपी बहुत इजी है और उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप भी एक बार गुलकंद बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने सभी पेड़ों पर पिस्ता लगा लिया है। आइए अब इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। होली का ओकेजन है और गुलकंद पेड़ा है, तो थोड़े से रोज पेटल्स को प्लेट में रखिए, फिर ऊपर से अपने पेड़े रखिए। आप और आपके मेहमान सभी से इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, प्ले सेफ होली एंड स्टे हेल्दी।